मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा 3 दिवसीय फेड एक्सपो 2024 का आयोजन। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जीआईए एग्जीबिशन सेंटर में 19 जनवरी से शुरू होगा फेड एक्सपो। फेडरेशन ऑफ एमपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय के तत्वाधान से 3 दिवसीय फेड एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान वेंडर डेवलपमेंट एवं बायर सेलर मीट भी होगी। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा स्थित जीआईए एग्जीबिशन सेंटर में 19, 20 और 21 जनवरी को वह एक्सपो आयोजित होगा। एक्सपो के लिए भूमि पूजन मकर संक्रांति के मौके पर होगा। ये जानकारी बुधवार को फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई है। FMPCCI के प्रेसिडेंट डॉक्टर RS गोस्वामी ने बताया कि मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहा फेड एक्सपो 2024 यूनिट से PSU एवं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और मध्य प्रदेश के मध्यम लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों यानी MSME के लिए एक बेहतर मंच साबित होगा। मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों की 200 MSME यूनिट्स एक्सपो में अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता से इंडस्ट्री विजिटर्स को अवगत कराएंगे। इसके साथ ही फेड एक्सपो एंकर यूनिट्स के लिए भी शानदार अवसर है, जहां वह एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में वेंडर्स के साथ बिजनेस मीटिंग कर पाएंगे। फेड एक्सपो में समानांतर सत्र भी आयोजित होंगे, जहां कंपनियों के प्रतिनिधि MSME यूनिट्स के बड़े समूह के साथ अपने वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं, सप्लाई चेन की चुनौतियों, वेंडर से क्या आशा और वेंडर प्रोसेस को लेकर चर्चा कर सकेंगी। इस फेड एक्सपो में भाग लेने वाली MSME को सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय पंजीयन शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति प्रदान कर रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर RS गोस्वामी, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मुझे बताते हुए खुशी है कि फेडरेशन द्वारा प्रथम बार भोपाल में फेड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ MSME द्वारा 60 स्टॉल्स को ग्रांट दी गई है। इन 60 स्टॉल्स में जो भी प्रदेश के माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डिस्प्ले करेंगे, उनको पूरा अनुदान भारत सरकार द्वारा दे दिया जाएगा। इस आयोजन में हम उन उत्पादों को डिस्प्ले करने जा रहे हैं जिनकी डिमांड पूरे देश में है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। आपको जानते हुए खुशी है कि भोपाल, विशेष तौर से भोपाल और मंडीदीप में पावर जनरेशन इक्विपमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट, पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, इंसुलेशंस और कई तरह के इंजीनियरिंग, हैवी फैब्रिकेशन, मशीनिंग का काम बहुत होता है। इन सभी उद्योगों को वहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। हम लोगों ने जो हमारा समकक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स है रशिया में, उनके डेलीगेशन ने मंजूरी दी है, उनका डेलीगेशन इस एक्सपो को देखने आ रहा है। USA से, पेंसिल्वेनिया से हमारा जो समकक्ष चैम्बर है उनका डेलीगेशन आ रहा है, साथ ही जर्मनी, इसराइल, थाईलैंड, मलेशिया, इनके डेलीगेशन के आने की भी संभावना है। तो इस तरह से इस एक्सपो को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने के लिए लोग आ रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने जो यहाँ पर डिस्प्ले सेंटर बनाया है गोविंदपुरा एसोसिएशन के प्रांगण में, उसी में इस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन दोनों का भरपूर सहयोग है हमारे इस आयोजन में। आप सबसे निवेदन है कि इसको आपके माध्यम से इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इंजीनियरिंग फैकल्टी, लघु उद्यमी, प्रमोशनल एजेंसीज सभी इसको विजिट करें। साथ ही इसमें एंकर यूनिट जैसे BHEL, HEG, रेलवे और विभिन्न विभाग भी अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे, उनके अधिकारी आएंगे। इससे फायदा ये होगा कि उनको जितनी रिक्वायरमेंट है वो MSME से ले सकेंगे। तो इस तरह से विन विन सिचुएशन है। पहली बार भोपाल शहर में इस तरह का आयोजन हो रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप इसको जरूर विजिट करें और प्रोडक्ट्स को देखें, मध्य प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी को देखें। और ये बात और उल्लेख करना चाहूंगा कि MSME सेक्टर मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट ईयर के डेटा बताते हैं कि लोएस्ट NPA MSME सेक्टर में हुआ है, केवल 7%, जबकि अन्य सेक्टर में इससे अधिक NPA होता है। पूरे देश में भी NPA होता है, लेकिन मध्य प्रदेश ने MSME सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और इस एक्सपो के माध्यम से हमारे सभी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अपना प्रोडक्ट को निर्यात करने में मौका मिलेगा, और न केवल निर्यात करने, प्रदेश के दूसरे बाहर से जो बायर्स आएंगे वो भी देखेंगे, इससे उनका बिजनेस बढ़ेगा। और आज का जो टाइम है उसमें हमारे जैसे चैम्बर्स का
सभी का मेन उद्देश्य यह है कि हमारे उद्योगों को बाजार मिले, उनका एक्सपोर्ट बढ़े और इसमें इसके माध्यम से हम सफल होंगे।